गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। एथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है ईयरली बेसिस पे ट्रांजैक्शन फीस के लिए। एथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फीस है, लोगों द्वारा बताया जा रहा है और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि एवरेज ट्रांजैक्शन फीस $7.5 तक पहुंच चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन फी है जो आपको एक ट्रांजैक्शन के लिए पे करनी पड़ेगी। जिनके ट्रांजैक्शंस बहुत बड़ी अमाउंट के साथ हो रहे हैं, उनके लिए ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा, लेकिन ये उन ट्रांजैक्टर्स के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है जिनका ट्रांजैक्शन बहुत ही नॉर्मल लेवल का है या जो इन्वेस्टर्स बहुत ही कम स्केल पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो एथेरियम के मेकर्स हैं, उनका ये कहना है कि हम लॉस फेस कर सकते हैं यूजर्स में। इसकी वजह से अंडरमाइनिंग भी हो सकती है और नेटवर्क की सिक्योरिटी में भी फर्क पड़ सकता है। एथेरियम इस टाइम पर अपना जो हाई है उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसमें काफ़ी बड़ा राइज आ रहा है। इस टाइम पर उसकी वैल्यू 7 से 8% बढ़ चुकी है, जो कि $420 तक पहुंच चुकी है। तो एथेरियम इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा राइज कर रहा है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन फीस एक ऐसा रीज़न हो सकता है कि लोग उसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड ही ना रहे, क्योंकि उन्हें ये लगे कि हर ट्रांजैक्शन पर उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि एथेरियम में ये जो लॉस कहा जा रहा है उसकी टीम द्वारा, वो हो जाए। एथेरियम जो है बहुत टाइम से एक प्रॉमिसिंग राइज पर है, उसका ऑल टाइम हाई भी जो है बढ़ता जा रहा है और उसकी वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है। तो इस टाइम पर ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रांजैक्शन फीस की वजह से ये जो इंक्रीज है उसकी वजह से एथेरियम में क्या चेंजेस आएंगे। जैसा कि हम पहले से कवर करते आ रहे हैं कि एथेरियम में डीफाई का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है और लगभग 97% यूजर्स डीफाई की वजह से एथेरियम को यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन फीस बढ़ रही है उसकी वजह से क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि विटालिक बुटरिन का भी यही कहना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इन्हें काम करना चाहिए है ट्रांजैक्शन फी को कम करने के लिए, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन फी इतनी हाई रहेगी तो लोग अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ ही नहीं करना चाहेंगे, जिसकी वजह से उन्हें लॉस फेस करना पड़ेगा अपने यूज़र्स में। एथेरियम में पहले भी कंजेशन हुआ था इसी रीज़न की वजह से कि बहुत सारे यूज़र्स उसमें ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। तो अब हमें यही देखना है कि एथेरियम की टीम इसके लिए क्या सॉल्यूशन लेके आती है, ये जो ट्रांजैक्शन फीस जो सेल्फिश माइनिंग की वजह से हो रही है, बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्या नया कंटेंट देखना चाहेंगे। अगर आपको फाइनेंस की दुनिया में बहुत इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें।